subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छत्तीसगढ़ कोरिया जिले के नगरीय निकाय में आपको बता दें कि आगामी 21 दिसंबर को नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़, नगर पालिका चिरमिरी समेत 3 नगर पंचायतों में नगर पालिका के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर एक दिन का समय शेष बाकी बचा है, ऐसे में विभिन्न दलों के प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोड़ी का जोर लगा दिया है। सुबह होते ही पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व साथ ही साथ पार्टी के प्रत्याशी शहर में घूम घूम कर अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते दिखाई नजर पड़ते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनेंद्र नगर के सबसे चर्चित वार्ड क्रमांक 12 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामचरित्र द्विवेदी आम लोगों से चर्चा करते हुए दिखे। इस दौरान उन्होंने बताया कि मनेंद्र नगर में कांग्रेस कई टुकड़ों में बटी हुई है, वह साथ ही साथ निर्दलीय प्रत्याशी खड़े भी हुए हैं, वह भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को की वोटों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में इसका सीधा असर, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई पड़ता है। देखिए पूरी खबर तेलका इंडिया न्यूज पर। राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस और भाजपा ही है, यहाँ पर तो मेरा तो टक्कर भाजपा से ही रहेगा। कितने मतों से जीत के आएंगे आप इस वार्ड में? देखिए अभी ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं निश्चित तौर पर चुनाव जीत के आऊँगा। जनता क्या रुझान है? जनता का बहुत अच्छा रुझान है। जनता का कहना है कि 7 प्रत्याशी 12 नंबर वार्ड से खड़े हैं और जनता ये देख रही है कि भाई अगर हम कांग्रेस के लोगों को चुनाव जिताते हैं तो कांग्रेस के विधायक भी हैं, कांग्रेस की सरकार भी है, कांग्रेस के सांसद भी हैं। तो ऐसे कंडीशन में मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस की ही नगर पालिका की सरकार बननी है, तो कांग्रेस का पार्षद रहेगा तो हमारे वार्ड का ज़्यादा विकास होगा। कहीं नहीं आप अध्यक्ष के रूप में, दावेदार के रूप में तो लड़ नहीं रहे, ऐसा कहीं तो नहीं जैसे लोग देखिए अभी आरोप है कि आप अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं इस पद? नहीं, अभी तो हमारा मुख्य जो है मोटो है कि मैं पहले पार्षद बनूँ, उसके बाद पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी अगर मुझे अध्यक्ष के लायक समझती है, अगर अध्यक्ष का कैंडिडेट बनाएगी तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा मैं।